हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बॉर्ग, जेसन फॉस और इसे स्टोरी दिए माइकल बॉर्ग, लॉरी फोर्टे और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डॉकिंस और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुजेमो, डेनिस लेरी, निकी मिनास और ड्रेक, जेनिफर लोपेज, क्वीन लातीफ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाटो फेलेको और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन लैन शेल्टर और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट और इसका रन टाइम 88 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $95 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $879.7 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जानते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो अजमैनी और उली और मामाथुआ होए इली हस्बैंड पीजर्स फादर एंड सीड और डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन ली क्यूजेमो असीद और लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लॉट हो इज मैनी और डिगोजा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी और डियागो और स्मिलोडॉन हो इज मैनी एंड सीड्स बेस्ट फ्रेंड और सियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट और क्रैश एंड ओपोजियम इडिज ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज ईडी एंड ओपोजियम क्रैश ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफिथियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमोलोडॉन और गॉड फ्रेंड्स मैट अंटिल सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रीव एंड फॉल इन लव विद डियागो, क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथ हु इज मैनी वाइफ एंड पीस ब्रदर मदर, जॉस गैड एज लुइस मोलेहो एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पामर एज पीस और टीनेज उली मामोथ एंड मैनी एंड इलीज डॉटर, निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील, अजीज अंसारी एज एस्क्यून ऑफ पेलियोग्लियस, ड्रैक एज इथेन मामोथ डेट पीचेस हैज अ क्रश ऑन, निकी मीनास एज स्टेफी मामोथ हु इज इथेन्स गर्लफ्रेंड एंड मेक फन ऑफ पेस, बेन ग्लेब एज मार्शल सीड ब्रदर, आयरन टूडियक एज मिडलटन सीड फादर, होंग की सीरन ईस्टर डिन एज स्लोथ एंड एपे सीरेंस, कुनल नायर एज गुप्ता बंगाली बैजर, रेबल विल्सन एज रेज और प्रोकोपोटोनो डॉन, इडी पीलोन सोडेला अंकल फंग्यू सीड्स अंकल, जोई बेहर एज यूनिका सीड मदर, एलन चेबर्ट एज सिलास अ पेट्रियल हीटर, मॉरिस एज केटिया वन ऑफ सेट स्टेफिस बेस्ट फ्रेंड, क्रिस वेगेस एज स्कारलेट और सेबर टूथहेड स्क्यूरल, कैरन डेसर एज सिरान टूक स्कारलेट फॉर्म ऑफ फीमेल सेबर टूथहेड स्क्यूरल एंड स्कारलेट एक्स लव इंटरेस्ट, पैट्रिक स्टीवर्ट एज एरिस क्रिस्टल और सेबर टूथहेड स्क्वायरल फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं। हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए, इसके बाद मैनी ने पाचिस पीचिस को किशोर मेमथो के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पीचिस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपीय विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड
डिएगो और ग्रैनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एली पिच और से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पची पीचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर आक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस और इसे स्टोरी दिए माइकल बर्ग, लॉरी फोर्टे और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डॉन्किन और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुजेमो, डेनिस लेरी, निकी मिनास और ड्रेक जेनिफर लोपेज, क्वीन लातीफ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाल्डो फेलेको और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन लैंड शेल्टर और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट और इसका रन टाइम 88 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $95 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $879.7 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो अजमैनी और उली और मामाथो हुए इली हस्बैंड पीजर्स फादर एंड सीडा डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन ली क्यूजेमो असीद और लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लॉट हुए मैनी और डिगोजा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी एस डियागो अस स्मिलोडोन हुई इज मैनी एंड सीड्स बेस्ट फ्रेंड असियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट अ क्रैश एंड ओपोजियम इडिज ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज इडी एंड ओपोजियम क्रैश ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट गिट कोटोफिथियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमोलोडोन अ गॉड फ्रेंड्स मैट अंटिल सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रू एंड फॉल इन लव विद डिएगो, क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथ हु इज मैनी वाइफ एंड पीस ब्रदर मदर, जॉस गैड एज लुइस मोलेहो एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पॉमर एज पीस और टीनेज उली मामोथ एंड मैनी एंड इलीज डॉटर, निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील, अजीज अंसारी एज एस्क्यून ऑफ पेलियोग्लेगस, ड्रैक एज इथेन मामा मॉक डेट पीचेस हैज अ क्रश ऑन, निकी मीनास एज स्टेफी मामोर मामोथ हु इज इथेन्स गर्लफ्रेंड एंड मेक फन ऑफ पेस, बेन ग्लेब एज मार्शल सीड ब्रदर, आयलन टूडियाक एज मिल्टन सीड फादर, होंकी सीरेन ईस्टर डिन एज स्लोथ एंड एपे सीरेंस, कुनल नायर एज गुप्ता बंगाली बेजर, रेबल विल्सन एज रेज प्रोकोपोटोनो डॉन, इडी पीलोन सोडेला अंकल फंग्यूस सीड्स अंकल, जोई बेहर एज यूनिका सीड मदर, एलन चेबर्ट एज सिलास अ पेट्रियल हीटर, मॉरिस एज केटिया वन ऑफ सेट स्टेफिस बेस्ट फ्रेंड, क्रिस वेगेस एज स्कारलेट अ सेबर टूथ हेड स्क्यूरल, कैरन डेसर एज सिरान हु टूक स्कारलेट
form of female saber toothed squirrel and scarlet ex lavenders. Patrick Stewart as Eris Crystal, a saber toothed squirrel from Scotland. तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं। हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए। इसके बाद मैनी ने पाचीस पिचीस को किशोर मेमथों के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पिचीस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपियों विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रैनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एली पिच और से अलग करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पची पीचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर आक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस और इसे स्टोरी दिए माइकल बर्ग, लॉरी फोर्टे और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डोंकिन और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुजेमो, डेनिस लेरी, निकी मिनास और ड्रेक, जेनिफर लोपेज, क्वीन लातीफ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाल्डो फेलेको और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन लेन शेल्टर और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट और इसका रन टाइम 88 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $95 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $879.7 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो एज मैनी और उली और मामाथुआ होए इली हस्बैंड पीचेस फादर एंड सीड और डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन ली क्यूजेमो एज सीड और लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लॉट हो इज मैनी और डिगोजा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी एज डियागो और स्मिलोडॉन हो इज मैनी एंड सीड्स बेस्ट फ्रेंड और सियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट अ क्रैस एंड ओपोजियम इडिस ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज इडी एंड ओपोजियम क्रैश ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, पीटर डिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफेथियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमोलोडॉन और गॉड फ्रेंड्स मैट अंटिल सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रीव एंड फॉल इन लव विद डिएगो, क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथ हु इज मैनी वाइफ एंड पीस ब्रदर मदर, जॉस गैड एज लुइस मोलेहोग एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पामर एज पीस और टीनेज उली
Mammoth and Many and Eli's daughter, Nick Frost as Flynn and Elephant Seal, Aziz Ansari as Escuant of Paleolithic, Drake as Ethan, a mama moth that Peaches has a crush on, Nicki Minaj as Steffi, a mammoth who is Ethan's girlfriend and make fun of Peaches, Ben Glebe as Marshall, Sid brother, Alan Tudyk as Middleton, Sid father, Honky Siren, Easter Dean as Sloth and Ape Sirens, Kunal Nair as Gupta, a Bengali badger, Rebel Wilson as Rez, a Procopotone, no Don, Edie Pilon, Sodella, Uncle Fungus, Sid's uncle, Joey Behar as Unica, Sid mother, Alan Chabert as Silas, a patriot, Heater Morris as Katia, one of Steffi's best friend, Chris Vegas as Scarlet, a saber-toothed squirrel, Karen Deser as Siran, who took Scarlet's form of female saber-toothed squirrel and Scarlet's ex-love interest, Patrick Stewart as Eris Crystal, a saber-toothed squirrel from Scarlet's. तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं। हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए। इसके बाद मैनी ने पाचीस पिचीस को किशोर मेमथों के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पिचीस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपियों विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रैनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एलिक पिचिस और से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पची पीचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि पर बचे लोगों को पर आक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस और इसे स्टोरी दिए माइकल बर्ग, लॉरी फोर्टे और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डॉन्किन और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुइज़ामो, डेनिस लेरी, निकी मिनाज और ड्रेक, जेनिफर लोपेज, क्वीन लातीफ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाल्डो फेलेको और इसे रीड किए जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन, लेन शेल्टर और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट और इसका रन टाइम 88 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $95 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $879.7 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जानते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो एज मैनी और उली और मामाथो हो इली हस्बैंड पीचेस फादर एंड सीड डिएगो बेस्ट फ्रेंड,
जॉन लीक्यूजेमो असीद अलेजी बट केयरिंग ग्रांड स्लॉट हु इज मैनी आर डिगोजा बेस्ट फ्रेंड डेनिस लेरी एस डियागो अस इस मिलोडोन हु इज मैनी एंड सीट्स बेस्ट फ्रेंड असियरा लव इंटरेस्ट सीन विलियम स्कॉट अ क्रैस एंड ऑपोजियम इडिस ब्रदर एंड इलिम एडोप्टिव ब्रदर जॉस पीक एज ईडी एंड ऑपोजियम क्रैश ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफियस वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर जेनिफर लोपेज एसियारा सिमोलोडोन और गॉड फ्रेंड्स मैट आंटी सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रीव एंड फॉल इन लव विद डियागो क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथ हु इज मैनी वाइफ्स एंड पीस ब्रदर मदर जॉस गैड एज लुइस मोलेहो एंड पीस बेस्ट फ्रेंड किक पामर एज पीस और टीनेज उली मामोथ एंड मैनी एंड इलीज डॉटर निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील अजीज अंसारी एज एस्क्यूंट ऑफ पेलियोग्लेगस ड्रैक एज इथेन मामा मॉथ डेट पीचेस हैज अ क्रश ऑन निकी मीनास एज स्टेफी मामोथ हु इज इथेन्स गर्लफ्रेंड एंड मेक फन ऑफ पीच बेन ग्लेव एज मार्शल सीड ब्रदर आयलन टूडियाक एज मिडल्टन सीड फादर होंकी सीरन ईस्टर डिन एज स्लोथ एंड एपे सीरेंस कुनल नायर एज गुप्ता बंगाली बेजर रेबल विल्सन एज रेज प्रोकोपोटोन डॉन इडी पीलोन सोडेला अंकल फंग्यूस सीड्स अंकल जोई बेहर एज यूनिका सीड मदर एलन चेबर्ट एज सीलास अ पेट्रियल हीटर मॉरिस एज केटिया वन ऑफ सेट स्टेफिस बेस्ट फ्रेंड क्रिस वेगेस एज स्कारलेट अ सेबर टूथ हेड स्क्यूरल कैरन डेसर एज सीरान हु टूक स्कारलेट फॉर्म ऑफ फीमेल सेबर टूथ हेड स्क्यूरल एंड स्कारलेट एक्स लव इंटरेस्ट पैट्रिक स्टीवर्ट एज एरिस क्रिस्टल अ सेबर टूथहेड स्क्वायरल फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं। हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए। इसके बाद मैनी ने पीचिस को किशोर मेमथों के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पीचिस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपियों विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रेनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एलिक पीछिस और से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पीचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर अतिक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को
डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर, और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस, और इसे स्टोरी दिए माइकल बर्ग, लॉरी फोर्टे, और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डोंकिन, और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुजेमो, डेनिस लेरी, निकी मिनास और ड्रेक, जेनिफर लोपेज, क्वीन लातीफ, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाल्डो फेलेको, और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन लेन शेल्टर, और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th सेंचुरी फॉक्स एनिमेशन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी फॉक्स, और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रन टाइम 88 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $95 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $879.7 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो अजमैनी और उली और माओमाथो हुए इली हस्बैंड पीजस फादर एंड सीड और डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन ली क्यूजेमो असीद और लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लोट हुए मैनी और डिगोजा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी एस डियागो अस स्मिलोडोन हु इज मैनी एंड सीड्स बेस्ट फ्रेंड अ सियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट अ क्रैस एंड ओपोजियम इडिस ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज इडी एंड ओपोजियम क्रैस ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफिथियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमोलोडोन और गॉड फ्रेंड्स मैट अंटिल सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रीव एंड फॉल इन लव विद डियागो, क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथ हु इज मैनी वाइफ एंड पीस ब्रदर मदर, जॉस गैड एज लुइस मोलेहो एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पामर एज पीस और टीनेज उली मामोथ एंड मैनी एंड इलीज डॉटर, निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील, अजीज अंसारी एज एस्क्यूंट ऑफ पेलियोग्लियस, ड्रैक एज इथेन मामा मॉक डेट पीचेस हैज अ क्रश ऑन, निकी मीनास एज स्टेफी मामोथ who is Ethan's girlfriend and make fun of Pace, Ben Glebe as Marshall, Sid brother, Alan Tudyk as Milton, Sid father, Honky Siren, Easter Dean as Sloth and Ape Sirens, Kunal Nair as Gupta, a Bengali badger, Rebel Wilson as Rez, a Procopotonodon, Edie Pilon, Sodella uncle, Fungus Sid's uncle, जोय बेहर एज यूनिका सीड मदर, एलन चेबर्ट एज सिलास अ पेट्रियल हीटर, मॉरिस एज केटिया वन ऑफ सेट स्टेफीज बेस्ट फ्रेंड, क्रिस वेगेस एज स्कारलेट अ सेबर टूथ हेड स्क्यूरल, कैरन डेसर एज सिरान हु टूक स्कारलेट फॉर्म अ फीमेल सेबर टूथ हेड स्क्यूरल एंड स्कारलेट एक्स लव इंटरेस्ट, पैट्रिक स्टीवर्ट एज एरिस क्रिस्टल अ सेबर टूथेड स्क्वायरल फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं, हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए, इसके बाद मैनी ने पीचिस को किशोर मेमथों के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पीचिस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपियों विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रेनी को फंसाने की कोशिश की।
जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एलिक पिचेस और से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पिचेस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर आक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस और इसे स्टोरी दिए माइकल बर्ग, लॉरी फोर्टे और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डॉन्किन और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीग्यूजेमो, डेनिस लेरी, निकी मिनास और ड्रेक, जेनिफर लोपेज, क्वीन लातीफ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाटो फेलेको और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन लेन शेल्टर और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट और इसका रन टाइम 88 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $95 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 879.7 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जानते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो अजमैनी और उली और मामाथो होए इली हस्बैंड पीजस फादर एंड सीडा डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन ली क्यूजेमो असीद और लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लॉट हो इज मैनी और डिगोजा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी एस डियागो अस स्मिलोडन हु इज मैनी एंड सीड्स बेस्ट फ्रेंड असियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट अ क्रैश एंड ओपोजियम इडिज ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज इडी एंड ओपोजियम क्रैश ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट गिट कोटोफेथियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमोलोडोन और गॉड फ्रेंड्स मैट अंटिल सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रीव एंड फॉल इन लव विद डियागो, क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथ हु इज मैनी वाइफ एंड पीस ब्रदर मदर, जॉस गैड एज लुइस मोलेहो एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पामर एज पीस और टीनेज उली मामोथ एंड मैनी एंड इलीज डॉटर, निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील, अजीज अंसारी एज एस्क्यून ऑफ पेलियोग्लेगस, ड्रैक एज इथेन मामा मॉथ डेट पीचेस हैज अ क्रश ऑन, निकी मीनास एज स्टेफी मामोथ हु इज इथेन्स गर्लफ्रेंड एंड मेक फन ऑफ पीस, बेन ग्लेब एज मार्शल सीड ब्रदर, आयलन टूडियक एज मिल्टन सीड फादर, होंग की सीरन ईस्टर डिन एज स्लोथ एंड एपे सीरेंस, कुनल नायर एज गुप्ता बंगाली बेजर, रेबल विल्सन एज रेज प्रोकोपोटोन डॉन, इडी पीलोन सोडेला अंकल फंग्यू सीड्स अंकल, जोई बेहर एज यूनिका सीड मदर, एलन चेबर्ट एज सिलास अ पेट्रियल हीटर, मॉरिस एज केटिया वन ऑफ सेट स्टेफिस बेस्ट फ्रेंड, क्रिस वेगेस एज स्कारलेट अ सेबर टूथ हेड स्क्यूरल, कैरन डेसर एज सिरान टू स्कारलेट
फॉर्म ऑफ फीमेल सेबर टूथेड स्क्विरल एंड स्कारलेट एक्स लैवेंडर। पैट्रिक स्टीवर्ट एज एरिस क्रिस्टल और सेबर टूथेड स्क्विरल फॉर्म स्कारलेट्स। तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं। हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए। इसके बाद मैनी ने पाचीस पिचीस को किशोर मेमथों के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पिचीस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपीय अभिच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रैनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एलिक पिच और से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पची पीचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर आक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस और इसे स्टोरी दिए माइकल बर्ग, लॉरी फोर्टे और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डॉन्किन और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुजेमो, डेनिस लेरी, निकी मिनास और ड्रेक, जेनिफर लोपेज, क्वीन लातीफ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाल्डो फेलेको और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन लैंड शेल्टर और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox Animation और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट और इसका रन टाइम 88 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $95 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $879.7 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो एज मैनी और उली और मामाथो हुए इली हस्बैंड पीचेस फादर एंड सीड और डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन ली क्यूजेमो एज सीड और लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लॉट हुए इज मैनी और डिगोजा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी एज डियागो और स्मिलोडॉन हुए इज मैनी एंड सीड्स बेस्ट फ्रेंड और सियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट अ क्रैश एंड ऑपोजियम इडिस ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज इडी एंड ऑपोजियम क्रैश ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफिथियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमुलोडॉन और गॉड फ्रेंड्स मैट अंटिल सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रू एंड फॉल इन लव विद डिएगो, क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथ हु इज मैनी वाइफ एंड पीस ब्रदर मदर, जॉस गैड एज लुइस मोलेहो एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पामर एज पीस और टीनेज उली
Mammoth and Many and Eli's daughter, Nick Frost as Flynn, and Elephant Seal. Aziz Ansari as Escount of Paleoglyphs. Drake as Ethan, a mama moth that Peaches has a crush on. Nicki Minaj as Steffi, a mammoth who is Ethan's girlfriend and make fun of Peaches. Ben Glebe as Marshall, Seed brother. Alan Tudyk as Middleton, Seed father. Honky Siren. Easter Dean as Sloth and Ape Sirens. Kunal Nair as Gupta, a Bengali badger. Rebel Wilson as Rez, a Procopoton, no Don. Eddie Pilon as Sodella, Uncle Fungus, Seed's uncle. Joey Behar as Unica, Seed mother. Alan Chabert as Silas, a patriarch. Heather Morris as Katia, one of Steffi's best friends. Chris Vegas as Scarlet, a saber-toothed squirrel. Karen Deser as Siran, who took Scarlet's form of female saber-toothed squirrel and Scarlet's ex-love interest. Patrick Stewart as Eris Crystal, a saber-toothed squirrel from Scarlet's. तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं। हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए। इसके बाद मैनी ने पाचीस पिचीस को किशोर मेमथों के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पिचीस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपियों विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रैनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एली पिच और से अलग करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पची पीचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर अतिक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस और इसे स्टोरी दिए माइकल बर्ग, लॉरी फोर्टे और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डॉकिंस और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुइज़ामो, डेनिस लेरी, निकी मिनाज और ड्रेक, जेनिफर लोपेज, क्वीन लातीफ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाटो फेलेको और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन लैन शेल्टर और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट और इसका रनिंग टाइम 88 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $95 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $879.7 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो एज मैनी और उली और मामाथो हो इली हस्बैंड पीचेस फादर एंड सीड और डिगोगर बेस्ट फ्रेंड।
जॉन लीक्यूजेमो एसिड और लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लॉट हु इज मैनी और डिगोजा बेस्ट फ्रेंड डेनिस लेरी एस डियागो और स्मिलोडोन हु इज मैनी एंड सिड्स बेस्ट फ्रेंड अ सियरा लव इंटरेस्ट सीन विलियम स्कॉट अ क्रैश एंड ऑपोजियम इडिस ब्रदर एंड इलिम एडोप्टिव ब्रदर जॉस पीक एज ईडी एंड ऑपोजियम क्रैश ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफिथियस वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर जेनिफर लोपेज सियारा सिमुलोडोन और गॉड फ्रेंड्स मैट अंटिल शी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रू एंड फॉल इन लव विद डियागो क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथ हु इज मैनी वाइफ एंड पीस ब्रदर मदर जॉस गैड एज लुइस मोलेहो एंड पीस बेस्ट फ्रेंड किक पामर एज पीस और टीनेज उली मामोथ एंड मैनी एंड इलीज डॉटर निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील अजीज अंसारी एज एस्क्यूंट ऑफ पेलियोग्लियस ड्रैक एज इथेन मामा मॉक्स डेट पीचेस हैज अ क्रश ऑन निकी मीनास एज स्टेफी मामोथ हु इज इथेन्स गर्लफ्रेंड एंड मेक फन ऑफ पीस बेन ग्लेव एज मार्शल सीड ब्रदर आयलन टूडियक एज मिल्टन सीड फादर होंग की सीरन ईस्टर डिन एज स्लोथ एंड एपे सीरेंस कुनल नायर एज गुप्ता बंगाली बैजर रेबल विल्सन एज रेज प्रोकोपोटोनो डॉन इडी पीलोन सोडेला अंकल फंग्यूस सीड्स अंकल जोई बेहर एज यूनिका सीड मदर एलन चेबर्ट एज सीलास अ पेट्रियल हीटर मॉरिस एज केटिया वन ऑफ सेट स्टेफिस बेस्ट फ्रेंड क्रिस वेगेस एज स्कारलेट अ सेबर टूथहेड स्क्यूरल कैरन डेसर एज सिरान टूक स्कारलेट फॉर्म ऑफ फीमेल सेबर टूथहेड स्क्यूरल एंड स्कारलेट एक्स लव इंटरेस्ट पैट्रिक स्टीवर्ट एज एरिस क्रिस्टल और सेबर टूथहेड स्क्वायरल फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं। हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए। इसके बाद मैनी ने पाचिस पीचिस को किशोर मेमथों के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पीचिस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपीय विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रेनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एलिक पीचिस और से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पची पीचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि पर बचे लोगों को पर आक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को
डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर, और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस, और इसे स्टोरी दिए माइकल बर्ग, लॉरी फोर्टे, और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डोंकिन, और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुजेमो, डेनिस लेरी, निकी मिनास और ड्रेक, जेनिफर लोपेज, क्वीन लातीफ, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनार्डो फेलेको, और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन लैंड शेल्टर, और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox Animation, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Fox, और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रन टाइम 88 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $95 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $879.7 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो अजमैनी और उली और मामाथो हुए इली हस्बैंड पीजर्स फादर एंड सीड और डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन ली क्यूजेमो असीद और लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लॉट हुए अजमैनी और डिगोजा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी और डियागो और स्मिलोडॉन हुए अजमैनी एंड सीड्स बेस्ट फ्रेंड और सियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट और क्रैश एंड ओपोजियम इडिस ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज इडी एंड ओपोजियम क्रैश ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमोलोडॉन और गॉड फ्रेंड्स मैट आंटी सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रीव एंड फॉल इन लव विद डियागो, क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथ हु इज मैनी वाइफ एंड पीस ब्रदर मदर, जॉस गैड एज लुइस और मोलेहोग एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पामर एज पीस और टीनेज उली मामोथ एंड मैनी एंड इलीज डॉटर, निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील, अजीज अंसारी एज एस्क्यूंट ऑफ पेलो पेलियोग्लेगस, ड्रैक एज इथेन मामा मॉथ डेट पीचेस हैज अ क्रश ऑन, निकी मीनास एज स्टेफी मामोर मामोथ हु इज इथेन्स गर्लफ्रेंड एंड मेक फन ऑफ पीच, बेन ग्लेब एज मार्शल सीड ब्रदर, आयलन टूडियाक एज मिल्टन सीड फादर, होंग की सीरन ईस्टर डिन एज स्लोथ एंड एपे सीरेंस, कुनल नायर एज गुप्ता बंगाली बेजर, रेबल विल्सन एज रेज और प्रोकोपोटोनो डॉन, इडी पीलोन सोडेला अंकल फंग्यूस सीड्स अंकल, जोई बेहर एज यूनिका सीड मदर, एलन चेबर्ट एज सिलास और पेट्रियल हीटर, मॉरिस एज केटिया वन ऑफ सेट स्टेफिस बेस्ट फ्रेंड, क्रिस वेगेस एज स्कारलेट और सेबर टूथहेड स्क्यूरल, कैरन डेसर एज सिरान हु टूक स्कारलेट फॉर्म ऑफ फीमेल सेबर टूथहेड स्क्यूरल एंड स्कारलेट एक्स लव इंटरेस्ट, पैट्रिक स्टीवर्ट एज एरिस क्रिस्टल और सेबर टूथहेड स्क्वायरल फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं। हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए, इसके बाद मैनी ने पीचिस को किशोर मैमथों के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पीचिस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपियों विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रेनी को फंसाने की कोशिश की,
जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एलिक पिच और से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पचपीचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर आक्रमण करता है, जिससे उन्हें एलिक के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस और इसे स्टोरी दिए माइकल बर्ग, लॉरी फोर्टे और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डोंकिन और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुजेमो, डेनिस लेरी, निकी मिनास और ड्रेक, जेनिफर लोपेज, क्वीन लतीफ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाल्डो फेलेको और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन लेन शेल्टर और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox Animation और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट और इसका रन टाइम 88 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $95 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $879.7 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जानते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो अजमैनी और उली और माओमाथो हुए इली हस्बैंड पीचेस फादर एंड सीड और डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन ली क्यूजेमो असीद और लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लॉट हुए अजमैनी और डिगोजा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी और डियागो और स्मिलोडोन हुए अजमैनी एंड सीड्स बेस्ट फ्रेंड और सियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट और क्रैस एंड ओपोजियम इडिस ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज इडी एंड ओपोजियम क्रैस ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफेथियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमुलोडोन और गॉड फ्रेंड्स मैट अंटिल सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रीव एंड फॉल इन लव विद डियागो, क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथो इज मैनी वाइफ एंड पीस बदर मदर, जॉस गैड एज लुइस मोलेहो एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पामर एज पीस और टीनेज उली मामोथ एंड मैनी एंड इलीज डॉटर, निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील, अजीज अंसारी एज एस्क्यून ऑफ पेलियोग्लियस, ड्रैक एज इथेन मामा मॉक डेट पीचेस हैज अ क्रश ऑन, निकी मीनास एज स्टेफी मामोथ who is Ethan's girlfriend and make fun of Pace, Ben Glebe as Marshall, Sid brother, Alan Tudyk as Milton, Sid father, Honky Siren, Easter Dean as Sloth and Ape Sirens, Kunal Nair as Gupta, a Bengali badger, Rebel Wilson as Rez, a Procopotone, Edie Pilon, Sodella, Uncle Fungus, Sid's uncle, जोय बेहर एज यूनिका सीड मदर, एलन चेबर्ट एज सिलास अ पेट्रियल हीटर, मॉरिस एज केटिया वन ऑफ सेट स्टेफिस बेस्ट फ्रेंड, क्रिस वेगेस एज स्कारलेट अ सेबर टूथहेड स्क्यूरल, कैरन डेसर एज सिरान हु टूक स्कारलेट फॉर्म अ फीमेल सेबर टूथहेड स्क्यूरल एंड स्कारलेट एक्स लव इंटरेस्ट, पैट्रिक स्टीवर्ट एज एरिस क्रिस्टल अ सेबर
टू थेट स्क्वायरल फॉर्म स्कार्टलेंट्स। तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं। हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए। इसके बाद मैनी ने पाचीस पिचीस को किशोर मेमथो के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पिचीस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपीयों विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रैनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एलिक पिचिस और से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पची पिचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर आक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस और इसे स्टोरी दिए माइकल बर्ग, लॉरी फोर्टे और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डॉन्किन और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीग्यूजेमो, डेनिस लेरी, निकी मिनास और ड्रेक, जेनिफर लोपेज, क्वीन लातीफ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाल्डो फेलेको और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन लेन शेल्टर और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट और इसका रन टाइम 88 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $95 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $879.7 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जानते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो एज मैनी और उली और मामाथो हो इली हस्बैंड पीचेस फादर एंड सीडा डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन ली क्यूजेमो एज सीड अ लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लॉट हो इज मैनी और डिगोजा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी एज डियागो और स्मिलोडॉन हु इज मैनी एंड सीड्स बेस्ट फ्रेंड और सियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट अ क्रैश एंड ओपोजियम इडिस ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज इडी एंड ओपोजियम क्रैश ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमोलोडॉन और गॉड फ्रेंड्स मैट अंटिल सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रीव एंड फॉल इन लव विद डियागो, क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथ हु इज मैनी वाइफ्स एंड पीस ब्रदर मदर, जॉस गैड एज लुइस मोलेहोग एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पामर एज पीस और टीनेज उली मामोथ एंड मैनी एंड इलीज डॉटर, निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील, अजीज अंसारी एज
एक्सक्यूट ऑफ पेलियोग्लेगस ड्रैग एज इथेन अमामा मॉथ डेट पीचेस हैज अ क्रश ऑन निकी मीनास एज स्टेफी अ मामोर मामोथ हु इज इथेन्स गर्लफ्रेंड एंड मेक फन ऑफ पेस बेन ग्लेब एज मार्शल सीड ब्रदर आयरन टूडियाक एज मिडल्टन सीड फादर होंग की सीरन ईस्टर डिन एज स्लोथ एंड एपे सीरेंस कुनल नायर एज गुप्ता अ बंगाली बैजर रेबल विल्सन एज रेज अ प्रोकोपोटोन नो डॉन इडी पीलोन सोडेला अंकल फंग्यूस सीड्स अंकल जोई बेहर एज यूनिका सीड मदर एलन चेबर्ट एज सीलास अ पेट्रियल हीटर मॉरिस एज केटिया वन ऑफ सेट स्टेफिस बेस्ट फ्रेंड क्रिस वेगेस एज स्कारलेट अ सेबर टूथ हेड स्क्यूरल करन डेसर एज सीरान हु टूक स्कारलेट फॉर्म अ फीमेल सेबर टूथ हेड स्क्यूरल एंड स्कारलेट एक्स लव इंटरेस्ट पैट्रिक स्टीवर्ट एज एरिस क्रिस्टल अ सेबर टूथ हेड स्क्यूरल फॉर्म स्कारलेट्स। तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं। हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए। इसके बाद मैनी ने पाचीस पिचीस को किशोर मेमथों के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पिचीस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपियों विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रैनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एलिक पिचिस और से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पची पिचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर आक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस और इसे स्टोरी दिए माइकल बर्ग, लॉरी फोर्टे और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डॉन्किन और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुजेमो, डेनिस लेरी, निकी मिनास और ड्रेक जेनिफर लोपेज, क्वीन लातीफ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाल्डो फेलेको और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन लेन शेल्टर और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox Animation और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट और इसका रन टाइम 88 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $95 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $879.7 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो एज मैनी और उली और मामाथो हुए इली हस्बैंड पीचेस फादर एंड सीड और डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन ली क्यूजेमो एज सीड और लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लॉट हुए इज मैनी
और डिगोज़ा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी एज डियागो, और स्मिलोडोन हु इज मैनी एंड सिड्स बेस्ट फ्रेंड अ सियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट अ क्रैस एंड ऑपोजियम इडिस ब्रदर एंड इलिम एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज ईडी एंड ऑपोजियम क्रैश ब्रदर एंड ईली एडोप्टिव ब्रदर, पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफिथियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमुलोडोन और गॉड फ्रेंड्स मैट अंटिल सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रीव एंड फॉल इन लव विद डियागो, क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथ हु इज मैनी वाइफ्स एंड पीस ब्रदर मदर, जॉस गैड एज लुइस मोलेहो एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पामर एज पीस और टीनेज उली मामोथ एंड मैनी एंड इलीज डॉटर, निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील, अजीज अंसारी एज एस्क्यून ऑफ पेलो पेलियोग्लेगस, ड्रैक एज इथेन मामा मॉक डेट पीचेस हैज अ क्रश ऑन, निकी मीनास एज स्टेफी मामोथ हु इज इथेन्स गर्लफ्रेंड एंड मेक फन ऑफ पेस, बेन ग्लेब एज मार्शल सीड ब्रदर, आयलन टूडियाक एज मिडलटन सीड फादर, होंग की सीरन ईस्टर डिन एज स्लोथ स्लोथ एंड एपे सीरेंस, कुनल नायर एज गुप्ता बंगाली बैजर, रेबल विल्सन एज रेज प्रोकोपोटोनो डॉन, इडी पीलोन सोडेला अंकल फंग्यूस सीड्स अंकल, जोय बेहर एज यूनिका सीड मदर, एलन चेबर्ट एज सिलास अ पेट्रियल हीटर, मॉरिस एज केटिया वन ऑफ सेट स्टेफिस बेस्ट फ्रेंड, क्रिस वेगेस एज स्कारलेट अ सेबर टूथ हेड स्क्यूरल, कैरन डेसर एज सिरान हु टूक स्कारलेट फॉर्म अ फीमेल सेबर टूथ हेड स्क्यूरल एंड स्कारलेट एक्स लव इंटरेस्ट, पैट्रिक स्टीवर्ट एज एरिस क्रिस्टल अ सेबर टूथेड स्क्वायरल फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं, हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पिचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए, इसके बाद मैनी ने पाचिस पिचिस को किशोर मेमथों के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पिचिस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपियों विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रेनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एली पिच और से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पची पीचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर आक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस।
और इसे स्टोरी दी है माइकल बर्क, लॉरी फोर्टे, और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डॉन्किन, और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुइज़ामो, डेनिस लेरी, निकी मिनाज और ड्रेक, जेनिफर लोपेज, क्वीन लातीफ, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाल्डो फेलेको, और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन लैन शेल्टर, और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox Animation, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox, और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रनिंग टाइम 88 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $95 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $879.7 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जानते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो अजमैनी और उली और मामाथुआ होए इली हस्बैंड पीजर्स फादर एंड सीड और डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन ली क्यूजेमो असीद और लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लॉट हो इज मैनी और डिगोजा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी और डियागो और स्मिलोडॉन हो इज मैनी एंड सीड्स बेस्ट फ्रेंड और सियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट और क्रैश एंड ओपोजियम इडिज ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज इडी एंड ओपोजियम क्रैश ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफिथियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमुलोडॉन और गॉड फ्रेंड्स मैट अंटिल सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रीव एंड फॉल इन लव विद डियागो, क्यून लतीफा अज इली और उली मामोथ हो इज मैनी वाइफ एंड पीस ब्रदर मदर, जॉस गैड एज लुइस मोलेहो एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पामर एज पीस और टीनेज उली मामोथ एंड मैनी एंड इलीज डॉटर, निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील, अजीज अंसारी एज एस्क्यून ऑफ पेलियोग्लियस, ड्रैक एज इथेन मामा मॉक डेट पीचेस हैज अ क्रश ऑन, निकी मीनास एज स्टेफी मामोर मामोथ हु इज इथेन्स गर्लफ्रेंड एंड मेक फन ऑफ पीस, बेन ग्लेब एज मार्शल सीड ब्रदर, आयरन टूडियक एज मिल्टन सीड फादर, होंग की सीरन ईस्टर डिन एज स्लोथ एंड एपे सीरेंस, कुनल नायर एज गुप्ता बंगाली बैजर, रेबल विल्सन एज रेज और प्रोकोपोटोनोडोन, इडी पीलोन सोडेला अंकल फंग्यू सीड्स अंकल, जोई बेहर एज यूनिका सीड मदर, एलन चेबर्ट एज सिलास अपेट्रियल हीटर, मॉरिस एज केटिया वन ऑफ सेट स्टेफिस बेस्ट फ्रेंड, क्रिस वेगेस एज स्कारलेट और सेबर टूथहेड स्क्यूरल, कैरन डेसर एज सिरान टूक स्कारलेट फॉर्म ऑफ फीमेल सेबर टूथहेड स्क्यूरल एंड स्कारलेट एक्स लव इंटरेस्ट, पैट्रिक स्टीवर्ट एज एरिस क्रिस्टल और सेबर टूथहेड स्क्वायरल फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं, हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए, इसके बाद मैनी ने पीचिस को किशोर मेमथो के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पीचिस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपीय विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रेनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एलिक पिचिस और से अलग करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था।
बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पचपिचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर आक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर, और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस, और इसे स्टोरी दिए माइकल बर्ग, लॉरी फोर्टे, और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डोंकिन, और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुजेमो, डेनिस लेरी, निकी मिनास और ड्रेक, जेनिफर लोपेज, क्वीन लातिफ, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाल्डो फेलेको, और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड ईयन लैंड शेल्टर, और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th सेंचुरी फॉक्स एनिमेशन, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th सेंचुरी फॉक्स, और इसका रिलीज डेट रहा है जुलाई 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रन टाइम 88 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 95 मिलियन डॉलर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 879.7 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो अजमैनी और उली और मामाथो हुए इली हस्बैंड पीजर्स फादर एंड सीड और डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन ली क्यूजेमो असीद और लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लॉट हुए मैनी और डिगोजा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी एज डियागो और स्मिलोडोन हु इज मैनी एंड सिड्स बेस्ट फ्रेंड और सियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट और क्रैश एंड ओपोजियम इडिज ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज इडी एंड ओपोजियम क्रैश ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, पीटर डिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमोलोडोन और गॉड फ्रेंड्स मैट अंटिल सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रू एंड फॉल इन लव विद डियागो, क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथ हु इज मैनी वाइफ एंड पीस ब्रदर मदर, जॉस गैड एज लुइस मोलेहो एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पामर एज पीस और टीनेज उली मामोथ एंड मैनी एंड इलीज डॉटर, निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील, अजीज अंसारी एज एस्क्यून ऑफ पेलो पेलियोग्लेगस, ड्रैक एज इथेन मामा मॉक डेट पीचेस हैज अ क्रश ऑन, निकी मीनास एज स्टेफी मामोर मामोथ हु इज इथेन्स गर्लफ्रेंड एंड मेक फन ऑफ पेस, बेन ग्लेब एज मार्शल सीड ब्रदर, आयलन टूडियाक एज मिल्टन सीड फादर, होंकी सीरेन ईस्टर डिन एज स्लोथ स्लोथ एंड एपे सीरेंस, कुनल नायर एज गुप्ता बंगाली बैजर, रेबल विल्सन एज रेज और प्रोकोपोटोन नो डॉन, इडी पीलोन सोडेला अंकल फंग्यूस सीड्स अंकल, जोई बेहर एज यूनिका सीड मदर, एलन चेबर्ट एज सिलास अ पेट्रियल हीटर, मॉरिस एज केटिया वन ऑफ सेट स्टेफिस बेस्ट फ्रेंड, क्रिस वेगेस एज स्कारलेट अ सेबर टूथ हेड स्क्यूरल, कैरन डेसर एज सिरान हु टूक स्कारलेट फॉर्म अ फीमेल सेबर टूथ हेड स्क्यूरल एंड स्कारलेट एक्स लव इंटरेस्ट, पैट्रिक स्टीवर्ट एज एरिस क्रिस्टल अ सेबर टूथेड स्क्वायरल फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं।
मैनी और एली अपनी अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं। हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए। इसके बाद मैनी ने पाचीस पिचीस को किशोर मेमथों के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पिचीस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपियों विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रैनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एली पिचिस और से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पिचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर अतिक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस और इसे स्टोरी दिए माइकल बर्ग, लॉरी फोर्टे और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डोंकिन और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुजेमो, डेनिस लेरी, निकी मिनास और ड्रेक, जेनिफर लोपेज, क्वीन लतीफ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाल्डो फेलेको और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन लैंड शेल्टर और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट और इसका रन टाइम 88 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $95 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $879.7 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो एज मैनी और उली और मामाथो हो इली हस्बैंड पीचेस फादर एंड सीड और डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन ली क्यूजेमो एज सीड और लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लॉट हो इज मैनी और डिगोजा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी एज डियागो और स्मिलोडोन हो इज मैनी एंड सीड्स बेस्ट फ्रेंड और सियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट अ क्रैस एंड ओपोजियम इडिस ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज इडी एंड ओपोजियम क्रैश ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफेथियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमोलोडोन और गॉड फ्रेंड्स मैट अंटिल सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रीव एंड फॉल इन लव विद डियागो, क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथ हु इज मैनी वाइफ एंड पीस ब्रदर मदर, जॉस गैड एज लुइस मोलेहो एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पामर एज पीस और टीनेज उली मामोथ एंड मैनी एंड इलीज डॉटर, निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील, अजीज अंसारी एज एस्क्यूंट ऑफ पेलो पेलियोग्लेगस,
Drag as ethane, a mama moth that peaches has a crush on. Nicki Minaj as Steffi, a mammoth who is Ethan's girlfriend and make fun of Pace. Ben Glebe as Marshall, Sid brother. Alan Tudyk as Middleton, Sid father. Honky Siren, Easter Dean as Sloth and Ape Sirens. Kunal Nair as Gupta, a Bengali badger. Rebel Wilson as Rage, a Procopotone, no Don. Eddie Pilon, Sodella, Uncle Fungus, Seed's uncle. Joey Behar as Unica, Seed mother. Alan Chabot as Silas, a patriot. Heater Morris as Katia, one of Steffi's best friend. Chris Vegas as Scarlet, a saber-toothed squirrel. Karen Dacer as Siran, who took Scarlet's form of female saber-toothed squirrel and Scarlet's ex-love interest. Patrick Stewart as Eris Crystal, a saber-toothed squirrel from Scarlet's. तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं। हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए। इसके बाद मैनी ने पाचीस पिचीस को किशोर मेमथों के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पिचीस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपीयों विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रैनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एलिक पिचिस और से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पची पिचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर आक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग, जेसन फॉस और इसे स्टोरी दिए माइकल बर्ग, लॉरी फोर्टे और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डोंकिन और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुजेमो, डेनिस लेरी, निकी मिनाज और ड्रेक जेनिफर लोपेज, क्वीन लातीफ और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाल्डो फेलेको और इसे रीड किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन, लेन शेल्टर और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox एनिमेशन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए 20th Century Fox और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट और इसका रन टाइम 88 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $95 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 879.7 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो एज मैनी और उली और मामाथो हो इली हस्बैंड पीचेस फादर एंड सीड और डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन लीक्यूजेमो एज सीड और लेजी बट केयरिंग
ग्रांट स्लॉट हु इज मैनी आर डिगोजा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी एज डियागो अस स्मिलोडॉन हु इज मैनी एंड सिड्स बेस्ट फ्रेंड अ सियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट अ क्रैश एंड ऑपोजियम इडिस ब्रदर एंड इलिम एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज ईडी एंड ऑपोजियम क्रैश ब्रदर एंड ईली अडोप्टिव ब्रदर, पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमोलोडॉन और गॉड फ्रेंड्स मैट आंटी सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रीव एंड फॉल इन लव विद डियागो, क्यून लतीफा एज इली और उली मामोत हु इज मैनी वाइफ्स एंड पीस ब्रदर मदर, जॉस गैड एज लुइस अ मोलेहोग एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पामर एज पीस और टीनेज उली मामोत एंड मैनी एंड इलीज डॉटर, निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील, अजीज अंसारी एज एस्क्यूंट ऑफ पेलियोग्लेगस, ड्रैक एज इथेन मामा मॉक डेट पीचेस हैज अ क्रश ऑन, निकी मीनास एज स्टेफी अ मामोर मामोथ हु इज इथेन्स गर्लफ्रेंड एंड मेक फन ऑफ पीस, बेन ग्लेब एज मार्शल सीड ब्रदर, आयलन टूडियाक एज मिडल्टन सीड फादर, होंकी सीरेन ईस्टर डिन एज स्लोथ एंड एपे सीरेंस, कुनल नायर एज गुप्ता अ बंगाली बैजर, रेबल विल्सन एज रेज प्रोकोपोटोन डॉन, इडी पीलोन सोडेला अंकल फंग्यूस सीड्स अंकल, जोई बेहर एज यूनिका सीड मदर, एलन चेबर्ट एज सिलास अ पेट्रियल हीटर, मॉरिस एज केटिया वन ऑफ सेट स्टेफिस बेस्ट फ्रेंड, क्रिस वेगेस एज स्कारलेट अ सेबर टूथ हेड स्क्यूरल, कैरन डेसर एज सिरान हु टूक स्कारलेट फॉर्म ऑफ फीमेल सेबर टूथ हेड स्क्यूरल एंड स्कारलेट एक्स लव इंटरेस्ट, पैट्रिक स्टीवर्ट एज एरिस क्रिस्टल अ सेबर टूथेड स्क्वायरल फ्रॉम स्कॉटलैंड्स। तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं, हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पीचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए, इसके बाद मैनी ने पाचीस पीचिस को किशोर मेमथों के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पीचिस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपियों विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रेनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एलिक पिचिस और से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं, जिससे पिचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है, उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर अतिक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2012 की अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए स्टीवी मार्टिनो, माइकल टर्मियर और स्क्रीन प्ले दिए माइकल बर्ग,
जेसन फॉस, और इसे स्टोरी दी है माइकल बर्क, लॉरी फोर्टे, और इसे प्रोड्यूस किए लॉरी फोर्टे, जॉन एस सी डोंकिन, और इसे स्टारिंग दिए रे रामनो, जॉन लीगुजेमो, डेनिस लेरी, निकी मिनास और ड्रेक, जेनिफर लोपेज, क्वीन लातीफ, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए रेनाल्डो फेलेको, और इसे एडिट किए हैं जेम्स एम पोलुम्बो, डेविड इयन लेन शेल्टर, और इसे म्यूजिक दिए जॉन पोवेल, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी ब्लू स्काई स्टूडियो, 20th Century Fox Animation, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox, और इसका रिलीज डेट रहा है July 13, 2012 यूनाइटेड स्टेट, और इसका रन टाइम 88 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $95 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 879.7 मिलियन डॉलर। तो चलिए फिर इस मूवी के वॉइस कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। वॉइस कास्ट में है रे रमनो अजमैनी और उली और माओमाथो हुए इली हस्बैंड पीजस फादर एंड सीड और डिगोगर बेस्ट फ्रेंड, जॉन ली क्यूजेमो असीद और लेजी बट केयरिंग ग्राउंड स्लोट हुए मैनी और डिगोजा बेस्ट फ्रेंड, डेनिस लेरी एस डियागो और स्मिलोडोन हुई मैनी एंड सीड्स बेस्ट फ्रेंड और सियरा लव इंटरेस्ट, सीन विलियम स्कॉट और क्रैस एंड ओपोजियम इडिस ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, जॉस पीक एज इडी एंड ओपोजियम क्रैस ब्रदर एंड इली एडोप्टिव ब्रदर, पीटर ड्रिंकलेज एज कैप्टन गोट और गिट कोटोफिथियस, वेंडा स्काइस अजर ग्रेनी सीट ग्रैंड मदर, जेनिफर लोपेज सियारा सिमोलोडोन और गॉड फ्रेंड्स मैट अंटिल सी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज हेयर क्रीव एंड फॉल इन लव विद डियागो, क्यून लतीफा एज इली और उली मामोथो इज मैनी वाइफ एंड पीस ब्रदर मदर, जॉस गैड एज लुइस मोलेहो एंड पीस बेस्ट फ्रेंड, किक पामर एज पीस और टीनेज उली मामोथ एंड मैनी एंड इलीज डॉटर, निक फ्रोस्ट एज फ्लिन एंड एलिफेंट सील, अजीज अंसारी एज एस्क्यून ऑफ पेलो पेलियोग्लेगस, ड्रैक एज इथेन मामा मॉक डेट पीचेस हैज अ क्रश ऑन, निकी मीनास एज स्टेफी मामोर मामोथ who is Ethan's girlfriend and make fun of Pace, Ben Glebe as Marshall, Sid brother, Alan Tudyk as Milton, Sid father, Honky Siren, Easter Dean as Sloth and Ape Sirens, Kunal Nair as Gupta, a Bengali badger, Rebel Wilson as Rez, a Procopotone, Edie Pilon, Sodella, Uncle Fungus, Sid's uncle, जोय बेहर एज यूनिका सीड मदर, एलन चेबर्ट एज सिलास अ पेट्रियल हीटर, मॉरिस एज केटिया वन ऑफ सेट स्टेफिस बेस्ट फ्रेंड, क्रिस वेगेस एज स्कारलेट अ सेबर टूथ हेड स्क्यूरल, कैरन डेसर एज सिरान टूक स्कारलेट फॉर्म अ फीमेल सेबर टूथ हेड स्क्यूरल एंड स्कारलेट एक्स लव इंटरेस्ट, पैट्रिक स्टीवर्ट एज एरिस क्रिस्टल अ सेबर टूथेड स्क्वायरल फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो चलिए मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं। मैनी और एली अपनी अब किशोर बेटी पाच पीचिस के साथ खुशी से रह रहे हैं, हालांकि जहां एली अपनी बेटी की नए लोगों की तलाशने और उनसे मिलने की इच्छा का समर्थन करती है और स्वीकार करती है, वहीं मैनी अत्यधिक सुरक्षात्मक है, पिचिस को परेशान करती है और दोनों के बीच दरार पैदा करती है। इस बीच सीड की परिवार वापस आता है, लेकिन उन दोनों को तुरंत छोड़ने से पहले केवल बुजुर्ग दादी को छोड़ने के लिए, इसके बाद मैनी ने पाचिस पिचिस को किशोर मेमथों के एक समूह के साथ घूमते हुए पकड़ लिया, जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिससे उसके और पिचिस के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक महाद्वीपियों विच्छेद के कारण सेक्रेट ने अपने बलूत के फल को बर्फ के हिलते हुए टुकड़ों में मनी सीड डिएगो और ग्रेनी को फंसाने की कोशिश की, जिससे उनके पास धारा की सवारी करने और उन्हें एलिक पिच और से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी जानवरों जो जमीन पर रहते हैं
जिससे पचपिचिस को अपने पिता के साथ लड़ाई के लिए दोषी महसूस होता है। उसी समय एक विशाल भूमि परिवर्तन भूमि पर बचे लोगों को पर आक्रमण करता है, जिससे उन्हें एली के नेतृत्व में सुरक्षा पाने के लिए एक भूमि पुल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेक्रेट को समुद्र के तल पर एक और बलूत का फल मिलता है, लेकिन एक टूटा हुआ फल जिसके अंदर द लॉस्ट सिटी ऑफ स्क्रेटलिस्ट का नक्शा दिखता है, जिसके लिए सेक्रेट निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही थी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।